नहीं पहले से बेहतर हो गया है। हाँ पहले नाल वाल हो गया थोड़ा जो। हाँ काल नालो वाल। काल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट लाजमी कर लो। टाइम हो गया है जी 3 PM, बस 2-1 मिनट रह गए। टंकी भाई फुल हो गई थी, देख रहे हैं पानी इधर निकलता रहा और हमें पता भी नहीं चला, नीचे भी बहने लग गया था। तो अभी थोड़ी सी ना अम्मा से बातें भी सुनी है कि छत पे टंकी फुल हो जाती है, अक्सर ऐसे ही होता है। मुझे कहती है मोटर चला दो, मैं चलने रहते भूल जाता हूँ चला के ना, तो पानी बह बह के ना ये यहाँ से बहने लगता है और वहाँ पे होल है वो जहाँ भी ईंट पड़ी उसके ऊपर रखी हुई है, बल्कि उसके ऊपर तो नहीं रखी हुई, ये होल है, यहाँ से जाता है जी पानी नीचे। अभी आपको पता है सर्दियाँ हो गई हैं जी स्टार्ट और मौसम कुछ इस तरह का हो गया, सूरज ही देखें ऐसे लग रहा है जैसे अभी सनसेट हो रहा है। और ये ना मतलब स्मॉग सी आई हुई है, मौसम जैसे ही सर्दियों का आता है ना तो स्मॉग सी आ जाती है, धुंधला धुंधला सा मट्टी मट्टी सी इन्वायरमेंट में फील होती है, हवा में गर्द सी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि गांव में ना बहुत कम होती है, अदरवाइज़ जो सिटीज़ हैं ना उनमें तो कह रहे हैं कराची चौथे पे आया पड़ा, लाहौर आई थिंक तीसरे पे आया पड़ा और इंडिया का जो है मुंबई कहते हैं उसे, क्या कहते हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली और मुंबई वो दूसरे तीसरे नंबर पर, इस तरह से चल रहे हैं सीन। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन जो है ना ये एशिया के कुछ कंट्रीज़ में हो रहा है, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, तो अल्लाह ही खैर करेगा। और कह रहे हैं कि सांस की बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, मास्क वगैरह पहनना चाहिए, तो ख्याल रखा करें। शहर में ज़्यादातर लोग जो है ना मास्क का इस्तेमाल किया करें, गाँव में फिर भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो है ना क्लीन होता है, अदरवाइज़ यहाँ भी सीन वैसे ही बना हुआ है। देख रहे हैं सूरज अभी बिल्कुल ना धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, वैसे भी ना मतलब कैमरा तो शायद आपको सही से ना दिखा रहा, नॉर्मल आई से देखो ना तो क्लियरली फील होता है कि स्मॉग है, दरख्त जो है ना दूर वाले नज़र ही नहीं आ रहे, इस तरह की सीन बना हुआ है। हाँ जी अम्मा जी, व्हाट आर यू डूइंग? ये इधर भाई ब्रेड कह लो, डबल रोटियां कह लो, डबल रोटी कहते हैं वैसे इसे, तो क्या करने लगी हूँ? हाँ जी तेरे कहना डबल रोटी बनेगी पे, अंडे अंडा दिखानी है, प्याज कटी खानी है, डबल रोटी हाँ, गाजर मुझे कुतरना ना थोड़ी कटेनी है। अच्छा ते हर समय शिकार पे अंडा बना के तेन, क्यों कोई आज खास ही मैं डबल रोटी बना रही हूं? आज नहीं खांदा इस वास्ते तेन मैंने अंडा बना के। अच्छा जी, तो आज भाई ब्रेड तो थे नहीं, तो ये वैसे ये ज्यादा मजे की बनती हैं डबल रोटियां ना, इनको कट करके ना पीस बर्गर की तरह बन जाती हैं। हाँ ये ना देखो बच्चा फाइन, मतलब ना बड़ा हेल्दी बर्गर बनने वाला, मीठा मीठा भी होगा और मतलब स्पाइसी भी होगा। अच्छा चलें जी, ये तो मैं बना रही हूँ, मैं अपनी धनिया तोड़ के लाता हूँ, देख लेना कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारी अपनी धनिया मैं तोड़ने जा रहा हूँ। बिल्ली जो है ना भाई उदास हुई बैठी है, इसके साथ ना लेग जी आज खेलने नहीं आए, लेग जी तू लेग जी नहीं है तू बिल्ली ही है, इधर तो देख पता नहीं ऐसे बैठी है ना, उदास हुई बैठी है। लेग जी को अभी बांधा हुआ है, खाने का टाइम ना तो वो तंग करती है, तो उसको अभी खोलेंगे फिर ये भी फ्रेश हो जाएगी। ओहो सब्जियों में आके ना एक बार बंदे का ना मन फ्रेश हो जाता है, बंदा इतना अच्छा फील करता है ना सब्जियों में आके। धनिया कहाँ थी? अच्छा वो रही, मेथी, माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट टाइम जो है ना भाई अपनी धनिया तोड़ रहा हूँ, माशाल्लाह तो वो धनिया मैंने तोड़ लिया जी, ज़्यादा नहीं तोड़ के लाया क्योंकि अभी थोड़ी छोटी थी, काफ़ी हैं मैं ये, हाँ काफ़ी हैं अभी छोटी थी, तो मैं अफसोस हो रहा था ना, मैं जब जैसे जैसे तोड़ रहा था ना दिल नहीं कर रहा था तोड़ने का, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करके लगाई। अभी तो टाइम लगेगा, 15-20 दिन तो लग जाएंगे ना तैयार होने में, गोभी भी हो जाए जल्दी जल्दी। हाँ जी भाजी किधर जाते पे हो? ਅਖੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਯਖਣੀ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਤਨ ਤੁਸੀਂ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਾਲ ਵੱਲ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਨਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਲੈਣਾ ਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਈ ਕਰੋ ਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਪ ਸ਼ੂਪ ਪੀਤਾ ਕਰੋ।
ਯਖਨੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ हाँ ये दूध से असीरा भी अपन जी लेके आए थे ये भी ले टाइम से तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक अम्मा बनाती हैं जी बर्गर हमारा बड़ा हेल्दी सा वेजिटेबल वाला बर्गर बनता है तब तक मैं जो हूँ ना आलू छील लेता हूँ और आज ना भाई हम ओवन में बनाने वाले हैं जी। हम इसके रोस्ट करेंगे आलू को बड़ा ही आसान तरीका होगा उसके ना छोटे छोटे टुकड़े करके जिस तरह सालन बनता है उस तरह से पीस करके उसको वहाँ में रोस्ट करने का ऑप्शन है पोटैटो को तो वो मसाला शसाला लगा के बनाते हैं बड़ा मैंने वीडियोस में देखे हैं बड़े टेस्टी टेस्टी लगते हैं तो आज मैं भी ट्राई करता हूँ और जब से ओवन आया ना आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाला हूँ ये रोस्ट करना आलू को वो भी ओवन में। अदरवाइज पहले हम सिर्फ सालन गर्म करते थे दूध गर्म कर लेते थे चाय गर्म कर लेते थे इतना ही फिलहाल किया आज ना आलू रोस्ट करके देखते हैं कैसा बनता है। वैसे ना ये बड़ी कमी रही है ना मतलब बना के हम ना ज्यादा चीजें हम खुद ही ट्राई कर रहे हैं तो अभी जो है ना आज हम आलू को रोस्ट करते हैं देखते हैं कैसा बनता है तो आलू में भी छील लेता हूँ तब तक अम्मा जो है ना हमारा बर्गर बना लेती हैं। अच्छा गाइस तो आलू जो है ना भाई मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं और अब जो है ना मैंने ये एक बनाया इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और बाकी सारे जो मसाला नॉर्मल होते हैं वो डालें और इनको मैंने ना अब इस ब्रश की मदद से ना इन आलुओं पे लगाना है ऐसे ग्रीसी ग्रीसी हो जाएं और जब ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे ना पता नहीं क्रिस्पी बनते हैं या नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा ट्राई कर रहा हूँ अब तो बन के आएंगे फिर ही पता चलेगा। चलें जी ये लग गया जी हमारा मसाला अब करते हैं जी हम ओवन को ओपन फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ आई होप सो सक्सेसफुल हो जाए लेट्स सी। इसको करते हैं जी बंद और यहाँ से पोटैटो का कर देते हैं जी स्टार्ट ये 4 मिनट एंड 40 सेकेंड्स का लगा है अब देखते हैं ये 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में बनते हैं या नहीं। अम्मा इधर भाई जो है ना बर्गर हमारे मसाला सैंडविच बन गए हैं ये तो रेडी करके आ गई मैंने अभी आलू रखे हैं हाँ। वो भी तो साथ में बनाने थे ना मजा तो आ गया। चले इनको फिर अम्मा ओवन में गर्म कर लेंगे मैं इनको प्लेट देंगे ना अभी रख देता हूँ यार मैंने नया ही कोई कारनामा करना पता नहीं क्या बनता है मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा ओवन में ना ऑयल की ना बड़ी आवाजें आ रही हैं ऐसे ची ची डर लग रहा है जैसे ओवन ही ना फट जाए। हाँ जी तो भाई टाइम जो लगाया था ना उसने ऑटोमेटिक लग जाता है पोटैटो के लिए तो वो लगा के तो देख लिया देखते हैं कि क्या सीन है अम्मा गर्म होगी प्लेट इसके लिए ना मैं ओवन वाला स्पेशल जो है ना वो पैन लेना पड़ेगा और ये बहुत गर्म हो गई प्लेट ये जो है ना अभी कच्चे हैं ये अभी कच्चे हैं इनको ना नहीं ऐसे ही हुआ ऐसे ही बनाते हैं बड़े बड़े टुकड़े करके बनाते हैं इनको थोड़ी देर ना अब ना इनको पहले मैंने पोटैटो पे लगाया था अब इनको ना थोड़ी देर ग्रिल करते हैं। ले जी अब ग्रिल हो रहा है अब पता नहीं क्या बनता है मुझे कोई समझ नहीं आ रही। आलू को कभी ग्रिल किया किसी ने करते हैं मेरे ख्याल में करते हैं तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं अब ना थोड़ा सा वो ऊपर से जलेंगे फिर मजे के बनेंगे। अम्मा इनको ना ग्रिल करके भी देख लिया ओ यही एक गला था अब वही गिर गया। एक मिनट जो बारीक थे ना वो तकरीबन गल गए हैं अच्छा। और जो दूसरे हैं ना वो थोड़े थोड़े कच्चे हैं बहुत गर्म इनको ना नॉर्मल पे थोड़ी देर के लिए फिर फ्राई करते हैं फिर बनेंगे लेकिन जिस तरह से मैंने सोचा था ना कि ये ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे वो वाली लुक नहीं आएगी। अम्मा ने भाई जो बर्गर बनाए हैं ना असल में ये बहुत सॉफ्ट थे सैंडविच बन गए। ये साथ में खाएंगे जी आज की रेसिपी जो थी ना मेरी थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई तो है लेकिन जिस तरह से मैंने सोचा था ना वो वाला सीन नहीं बना। नहीं यस थैंक्स फॉर ट्राई की ना नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा मैं YouTube पे पहले इसकी ना देखूंगा रेसिपी बनाते कैसे हैं आलू ओवन में मतलब ओवन में फ्राई कैसे करते हैं फिर बनाऊंगा।
मिर्चें जल रही हैं। लेकिन आलू जो है ना भाई गल गए हैं, बस गले ही हैं और कुछ नहीं बना। तो लास्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई की थी हमने, बनाने की अम्मा तो अपने बर्गर कामयाबी से बना के आ गए, मेरे आलू जो है ना कामयाब नहीं हुए। फर्स्ट टाइम रेसिपी ओवन में ट्राई की थी, लेकिन समझना पड़ेगा थोड़ा सा ना, टेक्निक को समझना पड़ेगा। ये रहे जी मेरे बर्गर और ये रही जी मेरे साथ में आलू के जो मैं बना रहा था जी रोस्ट, वो ऐसे कुछ बने हैं। तो ट्राई कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान, सदा का दादा बर्गर तोड़ के ले भी गया है। ठंडे नहीं हो रहा यार मेरा बर्गर, फिर ठंडा हो जाना है। तो बर्गर ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान। कमाल का ज़बरदस्त बना है, आलू भी मज़े के बने हैं, लेकिन गर्म है मुझे टेस्ट लेने ही नहीं दे रहे। देख रहा हूँ मैं आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, जल्दी से उठो आलू छोटे छोटे टुकड़े काटो और ओवन में इसी तरह से बना डालो, मज़े के। हाँ जी गाइस, तो भाई शाम होने लगी है, तकरीबन 4:15 हो गए हैं और सूरज बिल्कुल ढल जाता है। अचानक से मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई है, ऐसे धुंधला धुंधला फील हो रहा है। और टाइम चेक करो, हमेशा की तरह हवा निकाल के खड़ा है। ये तकरीबन हफ्ता से भी ज़्यादा हो गया, गाड़ी हम कहीं लेके ही नहीं गए इसी चक्कर में कि इसके हवा भरनी पड़ेगी। टायर हमने चेंज करवाने हैं, आप जब भी लेके जाएंगे ना इंशाल्लाह टायर इसके ज़रूर चेंज करवाएंगे। बस ना वो कहता है ना लेजीनेस पीक पे पहुंची, लेके जाते हैं फिर कहते हैं यार देर हो जाएगी घर चलते हैं फिर करवा लेंगे, इसी चक्कर में ना रोज़ाना लेट हो जाती है, ये हवा निकाल के खड़ी होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी बाज़ार, वहाँ पे वॉलीबॉल लड़के खेलते हैं, थोड़ी देर उनको वॉलीबॉल खेलते देखूंगा, फिर आ जाऊँगा इंशाल्लाह। मगर का टाइम हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे जी घर। बस बाइक निकालने ही लगा हूँ तो देखा है भाई टायर जो है ना हवा बिल्कुल निकाल खड़ा है। हर संडे को उसका जब भी आता है ना तो ये इसका टायर पंक्चर होता है, पता नहीं कोई खास बात होती है या क्या करता है, ज़्यादा जल्दी करता है, एक्साइटमेंट में ना हर बार पंक्चर कर देता है। तो अभी खैर पैदल ही चलते हैं, थोड़ी देर देख के आएंगे, रिफ्रेश हो जाता है बंदा ना, जाता है बाहर थोड़ा सा माहौल देखता है, लड़कों की चीख चिलाना सुनता, मज़ा आता है, लोग बड़ा मज़ा लगता है वॉलीबॉल देखने का। फिलहाल जो है वीडियो को यहीं पर करते हैं जी खत्म। वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब लाइक हम लाजमी कर लें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हम पैदल मार्च करते हैं वॉलीबॉल की तरफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।